हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अंशुमन कौशल है और मैं एक सीनियर लैप्रोस्कोपिक बेरियाट्रिक और हर्निया सर्जन हूँ। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको अलग अलग तरह की जो सर्जिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा, साथ ही मैं आपसे डिस्कस करूँगा तरह तरह के जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उनके बारे में। मेरा मकसद आपको सिर्फ यह बताना है कि कौन सा ट्रीटमेंट सही है और कौन सा ट्रीटमेंट गलत है, इस बारे में मैं आपसे चर्चा करता रहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको जान के काफ़ी आश्चर्य होगा कि हर्निया की जो प्रॉब्लम है उसका डिस्क्रिप्शन या उसका उल्लेख जो हमारे पुराने जो रिलीजियस टेक्स्ट और जो दूसरी किताबें हैं उसमें भी मिलता है। इजिप्ट के फराहो रैमसेस द फिफ्थ को हर्निया था। हर्निया का इलाज प्राचीन काल में सिर्फ उस स्थिति में किया जाता था जब ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। और विश्वास मानिए, आपको बड़ी हैरत होगी अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरह के ट्रीटमेंट्स होते थे वो। बिना एनेस्थीसिया के, बिना किसी तरह कोई दर्द निवारक दिए हर्निया के लिए मरीज को उल्टा लटका देना या फिर पैरों से, हाथों से दबा के जो हर्निया की जो स्वेलिंग है उसको रिड्यूस करना, या फिर अभी रिसेंटली 10वीं या 11वीं शताब्दी तक ब्रांडिंग करना, मतलब जो एरिया जहाँ पे हर्निया है वहाँ पर गरम गरम सलाखों से या रॉड से उस स्थान को जला देना। लेकिन यह सब बदला बैसिनीज के आने पे। बैसिनी एक इटालियन सर्जन था जिसने सबसे पहली बार 1889 में हर्निया का सही तरीके से जो ऑपरेशन है उसको एक्सप्लेन किया, और उसके बाद से तरह तरह के मॉडिफिकेशंस हुए और आज हम इस स्थिति में हैं कि हर्निया जैसी बीमारी का इलाज की होल टेक्निक्स यानी बिना किसी चीरे के कर सकते हैं। हर्निया एक बड़ी ही कॉमन सर्जरी है, इनफैक्ट मेरे हिसाब से वह सबसे ज़्यादा या कॉमनली की जाने वाली सर्जरीज में से एक है। हर चार में से किसी एक पुरुष को या मेल को हर्निया होने की संभावना रहती है। मोस्टली यह बीमारी मेल्स में यानी कि पुरुषों में पाई जाती है तकरीबन 90% केसेस में। और अगर हम सही समय पर इसका इलाज कर लें तो इससे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस या जो जो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे हम बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हर्निया के बारे में बातें करना। जब शरीर का कोई अंग अपनी कंटेनिंग कैपेसिटी या खोल या झिल्ली से बाहर निकलता है तो उसे हर्निया कहते हैं। जब हम हर्निया कहते हैं तो हमारा अधिकांश बार मतलब होता है एब्डोमिनल यानी कि पेट के हर्निया से, जिसमें मुख्यतः इंग्वाइनल हर्निया जो कि ग्रोइंस में होता है और अक्सर ये पुरुषों में यानी कि मेल्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा नाभि के आसपास होने वाले हर्निया जैसे अम्बलाइकल या पैराम्बलाइकल हर्निया और पेट के ऊपर वाले भाग में होने वाला हर्निया जिसे अपन एपिगैस्ट्रिक हर्निया कहते हैं। इसके अलावा एक और मुख्य वैरायटी है जिसको इंसिशनल हर्निया कहते हैं, जो अक्सर पेट के ऊपर किए जाने वाले जो चीरे वाले ऑपरेशंस होते हैं उसके बाद वहाँ पर आई हुई कमजोरी के कारण बनते हैं। कभी कभी आप जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे और उन्होंने आपको देख के लिख दिया है वेंट्रल हर्निया, इसका क्या मतलब है? तो वेंट्रल हर्निया कुछ नहीं, यह एक ग्रुप है जिसमें एपिगैस्ट्रिक, अम्बलाइकल, पैराम्बलाइकल और इंसिशनल हर्निया शामिल हैं। वेंट्रल मतलब सामने, तो जो पेट के जो भी सामने वाले हर्नियाज हैं उनको वेंट्रल हर्निया कहा जाता है, इंग्वाइनल हर्नियाज या ग्रोइन हर्नियाज को छोड़ के। अब हर्निया में प्रॉब्लम क्या हो सकती है? हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, केवल एक उभार या सूजन या लंप जैसा आप महसूस करें जो ग्रोइन में देखने को मिले, और आप किसी रोज नहा रहे हों या सो के उठें और आपको लगे कि यहाँ पर कुछ फूला हुआ सा है, तो हो सकता है आपको लगे कि नहीं ये शायद नॉर्मल है, और आप कुछ समय इसको वॉच करें तो आप पाएंगे कि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब हमें तुरंत ही अपने जो डॉक्टर हैं पास में उनको एक बार ज़रूर दिखा लेना चाहिए। कुछ लोगों में हर्निया काफ़ी तेज़ पेन के साथ भी प्रेजेंट करता है या फिर ड्रैगिंग डिस्कम्फर्ट। कभी कभी हर्निया सडनली भी प्रकट हो जाता है। अक्सर ऐसे लोग
हिस्ट्री देते हैं कि उन्होंने कुछ भारी वजन उठाया है। अभी रिसेंटली ओपीडी में मेरे एक पेशेंट जो करीब 50 साल के हैं, उन्होंने बताया कि उनको पहले कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी रिसेंटली जब उन्होंने अपने नए घर में मूव किया तो एक टेबल को धक्का दिया, उसके बाद से सडनली एक पॉप की आवाज़ के साथ उनको ग्रॉइन में एक सूजन महसूस हुई और दर्द होने लगा। तो हर्निया कई तरह से प्रेजेंट कर सकता है। जब हर्निया अनकॉम्प्लिकेटेड हो, सिर्फ एक सूजन हो जो लेटने पे वापस चली जाती हो, इसे रिड्यूसेबल हर्निया या सिंपल हर्निया के नाम से जाना जाता है। यही हर्निया अगर वापस अंदर ना जाए और रह रह के दर्द देने लगे तो इसे इरिड्यूसेबल हर्निया कहा जाता है। अगर हर्निया इरिड्यूसेबल है तो इसका मतलब है कि ये एक सीरियस कंडीशन है और हमें इसका तुरंत इलाज करा लेना चाहिए। हर्निया की एक स्टेज और होती है जिसे ऑब्स्ट्रक्टेड या स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया कहते हैं, जिसमें जो आंत है वो हर्निया के जो रिंग है उससे बाहर आ जाती है और फंस जाती है, जिससे आपको बहुत तेज दर्द, उल्टियाँ, चक्कर आ जाना जैसी सिम्टम्स आ सकते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा है तो इसका इलाज तुरंत ही एक इमरजेंसी सर्जरी है और आपको तुरंत ही इसमें कोई कोताही ना बरतते हुए अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। तो आपने देखा कि हर्निया के ट्रीटमेंट डिपेंड करते हैं उसके स्टेजेस पे। अगर एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड सा हर्निया है तो आपके पास वक्त है, आप प्लान कर सकते हैं। अगर आपका हर्निया पेनफुल है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन या स्ट्रैंगुलेशन में है तो फिर हमारे पास समय बहुत कम है और हमें तुरंत ही अपने डॉक्टर के पास पहुँच जाना चाहिए। देखिए, हर्निया का कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता। कुछ केसेस में आपका जो सर्जन है वो अल्ट्रासाउंड या फिर सीटी या एमआरआई जैसी जांचें करवा सकता है, लेकिन अधिकांश केसों में हर्निया एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। तो अब सवाल उठता है कि हर्निया का सही ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, हर्निया का जो ट्रीटमेंट है वो दो तरीके से किया जा सकता है। पहले तो हम ये क्लियर कर लें कि हर्निया का ट्रीटमेंट सिर्फ ऑपरेशन है। एज पर द गाइडलाइंस, जो सर्जन सोसाइटीज़ हैं उन्होंने एक गाइडलाइंस बनाई हैं जिसमें बहुत अर्ली स्टेजेस में, अगर मान लीजिए बहुत ही छोटा सा उभार है जो कि किसी तरह का सिम्टम नहीं देता है, तो उसको हम वॉच कर सकते हैं। ज़रा भी कोई सिम्टम्स आता है या अगर वो साइज़ में बढ़ता है, क्योंकि हर्निया की नेचुरल हिस्ट्री है धीरे धीरे बढ़ना, अगर ऐसा होता है तो तुरंत हमें उसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं हर्निया की ट्रीटमेंट की। हर्निया का इलाज सिर्फ सर्जरी के माध्यम से ही संभव है। किसी तरह की दवाइयाँ या फिर आयुर्वेद, होम्योपैथ या कोई योगा वगैरह से हर्निया का इलाज मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। सर्जरी मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक ओपन यानी कि चीरा लगा के की जाने वाली सर्जरीज, दूसरी लैप्रोस्कोपिक या की होल के द्वारा की जाने वाली सर्जरीज। जो ओपन सर्जरी है उसका फ़ायदा यह है कि वह सस्ती पड़ती है, लेकिन क्योंकि चीरा है तो इन्फेक्शन होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा दर्द होना और जो रिटर्न टू एक्टिविटी या रिटर्न टू वर्क है उसमें थोड़ा समय लग सकता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में तीन छोटे छोटे छेदों के माध्यम से एक जाली डाल के हर्निया का रिपेयर कर दिया जाता है। इसमें कोई बड़े चीरे नहीं आते और फ़ायदा यह है कि कुछ ही घंटों में मरीज़ चलने फिरने लायक हो जाता है। लैप्रोस्कोपी में दर्द भी कम होता है और मरीज की छुट्टी जल्दी हो जाती है और जो रिटर्न टू वर्क है वह भी काफ़ी कम है। अधिकांश केसों में मैंने देखा है कि हम मरीज़ की 24 घंटे में छुट्टी कर देते हैं। खाना पीना, चलना फिरना, घूमना सब कुछ अलाउ होता है और मरीज अक्सर 5 या 6 दिन में अपना काम ज्वाइन कर लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम डॉक्टर के पास कब जाएं? देखिए, अगर हमें अपने एब्डोमेन में, पेट में या ग्रॉइंस में किसी भी तरह की स्वेलिंग महसूस हो, जिसमें दर्द हो चाहे ना हो और जो खांसने पे या जोर लगाने पे बाहर की तरफ आती हो, तो हमें तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हर्निया की जो नेचुरल हिस्ट्री है वो यही है कि वह धीरे धीरे बड़ा होगा और तकलीफ देगा। कौन सा हर्निया कब तकलीफ दे इसके बारे में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप
हर्निया को टालें और दूर हों, और उस टाइम पे जो हर्निया है वो एकदम पेनफुल हो जाए या ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मुश्किल पड़ सकती है। इसलिए मेरी सलाह है कि हर्निया का वक्त रहते इलाज हो जाए तो बेहतर है। हर्निया की सर्जरी मुख्यतः दो तरह से होती है। एक है ओपन सर्जरी, जिसमें चीरा लगा के एक मैश यानी कि जाली डाल दी जाती है, और दूसरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जो की होल्स के माध्यम से की जाती है और इसमें एक अंदर जाली लगा दी जाती है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का फ़ायदा यह है कि इसमें बड़े चीरे ना होने के कारण इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है, साथ ही पोस्ट ऑपरेटिव या सर्जरी के बाद होने वाले दर्द में काफ़ी कमी रहती है और मरीज काफ़ी जल्दी चलने फिरने लगता है तथा पोस्ट ऑपरेटिव पेन और डिस्कम्फर्ट काफ़ी कम रहता है। हाँ, इस सर्जरी में खर्चा थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि जो मैश है वो एक स्पेशल डुअल मैश होती है और साथ में उनको फिक्स करने के लिए टैकर्स का यूज़ करते हैं, तो ये सर्जरी की जो कॉस्ट है वो ओपन सर्जरी की तुलना में ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। ओपन हर्निया में क्योंकि चीरा रहता है इसलिए इन्फेक्शन के रेट्स थोड़े से ज़्यादा हैं, हालांकि यह सर्जरी चीप है, सस्ती है। मेरे हिसाब से आपका डॉक्टर सही व्यक्ति है यह डिसाइड करने के लिए कि आपके लिए कौन सा ऑपरेशन बेहतर है। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ऑपरेशन के बाद हर्निया दोबारा होता है, और अगर होगा तो फिर क्या करेंगे। तो देखिए, दोबारा होना यानी कि रिकरेंस बहुत सारे कारणों या फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। टेक्निकल फेलियर यानी कि जो जाली है या जो ऑपरेशन के बाद जो फिक्स करने का जो तरीका है उसमें कमी होना जिसके कारण हर्निया दोबारा हो जाए, या फिर जो हर्निया का जो कारण है जैसे कि वज़न ज़्यादा उठाना या फिर स्मोकिंग करते रहना या फिर प्रोस्टेट की समस्या बनी रहना जिसमें पेशाब में जोर लगाना पड़ेगा, तो हर्निया का रिकरेंस होने की संभावना रहती है। हालांकि स्टडीज़ के मुताबिक ऑपरेशन के बाद जो हर्निया का जो रिकरेंस है वो 150 या 200 मरीजों में से किसी एक को ही होता है। अगर रिकरेंस होती है उस केस में क्या करें। देखिए, रिकरेंस होगी तो अगेन हमें फिर से ही हर्निया फिक्स करना पड़ेगा। अब क्या रिकरेंस में हमको ओपन सर्जरी करानी चाहिए या लैप्रोस्कोपी, तो मेरा फिर से यही जवाब है कि आपका सर्जन डिसाइड करेगा। हालांकि जो सर्जरीज रीडू सर्जरीज होती हैं या रिकरेंट हर्नियाज जो होते हैं उसमें भी लैप्रोस्कोपी की जा सकती है, लेकिन इसके लिए आपके सर्जन के पास ये एक्सपर्टाइज होनी ज़रूरी है। तो हमें ऑपरेशन के बाद किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा जिसे हर्निया दोबारा ना हो, तो इसमें आप ये जान लीजिए कि ऑपरेशन के बाद, खास करके लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज के बाद, चलना फिरना, नहाना घूमना, सीढ़ी चढ़ना, ये सब अलाउड होता है। केवल वो काम जिसमें भारी वज़न उठाना पड़े या जिसमें प्रेशर जो पेट का है वो बढ़ जाए, वो काम अगले 3 से 6 महीने के बीच में नहीं करने चाहिए। जैसे बाइक पे या स्कूटर की किक मारना, 5 किलो से ज़्यादा वज़न उठाना, स्मोकिंग करना, वज़न का बढ़ना, अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल में रखें तो हम एक लंबी और हेल्थी ज़िंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है या किसी और विषय के बारे में आप मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और चीज़ पे वीडियो बना के आपके सामने लाऊं, तो आप मुझे कमेंट करिए और मैं जल्दी ही आपसे दोबारा मिलूँगा। गुड बाय।